जुम्मे पर जंग, शांति भंग, हर तरफ कोहराम ही कोहराम। आग की लपेट में झुलस रहा हिंदुस्तान, कौन है जिम्मेदार? कौन है इस नफरती आग का कसूरवार? किस देश के हैं ये हरे झंडे? कौन बांटना चाहता है देश? किस देश की साजिश का शिकार हो रहा है हिंदुस्तान? एक बयान ने मानो देश को मजहबी आग में झोंकने का काम किया, जिसकी शुरुआत जुम्मे की नमाज के बाद दिल्ली के जामा मस्जिद से शुरू हुई। देखते ही देखते ये नफरत की आग पूरे देश में फैलती हुई दिखाई दी। दिल्ली के जामा मस्जिद में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। इनकी मांग थी कि जल्द से जल्द नूपुर की गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी की आग में धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा हंगामा मचाया जिसकी आग पूरे देश में फैलती हुई दिखाई दी। फिर क्या था, मानो मजहब की चिंगारी ऐसे बारूद में तब्दील हो गई जिसको देख आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। देखिए, कुछ वीडियोस देखिए, हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें देखिए, रांची की हैं, जहां कोहराम कैसे मचा उसकी बानगी देखिए, जहां पुलिस वाले खुद फोर्स मांगते हुए रोते हुए दिखाई दिए। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। बवाल की शुरुआत तो कुछ रोज पहले कानपुर के बेगनगंज से शुरू हो गई थी और अब जुम्मे के दिन मजहबी धर्म के ठेकेदार बवाल काटते हुए दिखे। झारखंड के रांची में विवादित झंडे तक लहराए गए। कितनी सच्चाई है इन बातों में, ये जांच का विषय है। साथ ही इन लोगों पर पत्थरबाजों ने हमला भी किया। हंगामा बढ़ा तो हिंदू संगठनों ने सड़कों पर सुंदरकांड का पाठ भी शुरू कर दिया, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने मोर्चा जैसे दोनों तरफ से खोल लिया, कानून को हाथ में लेने की ठान ली। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार कब तक ये होता रहेगा हिंदू मुसलमान? फिलहाल यूपी पुलिस सतर्क हो चुकी है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी हो रही है और शरारती तत्वों की गिरफ्तारियां हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।